आराम से ना फेरो तू, ठीक है ना? कोड़ा आ 10:30 बजे, कोड़ा आ 10:30 बजे, 9:30 बजे सारा नीचे आ जाए। लिखवा लेता कि भाई विदाई को बात करता, फिर आगे तो ये ट्रांसफर कर देता बाद में के का हा। आज स्कूल में ये सिग्नेचर हो जाएगा बेकाम आया नहीं अन टाबरन के पतोई फ्लिकी का लॉन्चिंग धमाका। फ्लिकी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और 30 दिन तक फ्री में पढ़ें। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, आरएसएम, एसएसबी, आरपीएससी के 30 से ज्यादा कंपटीशन एग्जाम्स के कोर्स। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हैं बामलास गांव में, जो गुड्डागोट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, बामलास गांव में समस्या यह है कि जो टीचर हो भी वो ट्रांसफर हो दूसरी स्कूल में चले गए। आज टाबर सुबह लेके शाम तक देख रहे हो 200-300 टाबर ही बैठे ही स्कूल के अंदर, न तो टीचर अन जान दे रहा न खुद जा रहे ही की मांग पूरी करो मांग पूरी करो, के आकी मांग ही सुनागा। नाम बताओ। मेरा नाम बबीता मेहरा, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मनोज जी सर का ट्रांसफर होने की वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम उनको नहीं जाने देंगे और हमें वो ही चाहिए, हमें नहीं पढ़ना किसी गणेश जी सर। अब कौन सा सर आए, कौन सा सर के पढ़ाता था? वो हिंदी लिटरेचर पढ़ाते हमें। तो आगे समझ में को नहीं आएगी, समझ में हमें पढ़ना ही नहीं है उनसे, हमें इनसे ही पढ़ना है, हम इनसे ही पढ़ेंगे, हम नहीं जाने देंगे। पहली टीचर ट्रांसफर हो रही है, मनोज जी सर है, उनका ट्रांसफर खेतड़ी हुआ है, पहले कई साल हो रहे, 4 साल से। तो जो नया टीचर आ रहे हैं समझ में को नहीं आ रही है भाई टीचर, हमने इनसे पढ़ा ही नहीं अभी तक और हमें पढ़ना भी नहीं है इनसे, हम पढ़ेंगे मनोज सर से। क्यों, क्योंकि हमें वो नहीं पढ़ना वाँ। ना, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं खोलेंगे इसको स्कूल को। अभी फिलहाल जो आपकी स्कूल में गेड आई है अठे, मतलब अठे ही थे, कोई बातचीत भी करी है कि भाई कोई बड़ा अधिकारी हूँ या कोई भी बात करी है कि भाई बाको ट्रांसफर वापस, कोई से किसे बात कराई है? बोलती है कि मास्टर टाइम पे को नहीं स्कूल में और पिसाल तावरा ने रुपया दे के अन्ना सिखा दिया कि ये अड़े खड़ा होगा सारा सारा, या कोई तमीज। फिर ये भी बात ये खुद बोली कि हाँ मैं वापस ला दू 2 दिन में, क्यों ला दूंगा अभी, कौन रुपया दे दिया? गाँव का यह बात बोलेंगे ना, गाँव वाला बोलेंगे स्कूल का टीचर रुपया दे रखे अन्न जहाँ खड़े हैं अड़े, तो ए को कुछ है कि कुछ को नहीं को ते कड़ियों पर डन्ना रे ओड़े बामलास गांव की है या दूर की बामलास का है? बामलास जाने रामपुरा से 9:10 बजे में 10 मिनट रही तब बोला कि ना एक मास्टर तो अभी तक आया ने थे क्यों बैठा हो अड़े कौन कहो ये गांव वाला ये मैजी सर बोला है बात जो नया टीचर आए भाई यही है। हाँ। ये क्या बोलिया? ये तो कुछ बोला से बात ही कोई गांव का लोग के बोले कि थे अगर स्टाफ टाइम पर नहीं आ रहे हो थे क्यों बैठे हो रहे? 10 बजे स्कूल स्टार्ट हुआ है तो मास्टर 10 मिनट आ जाए ही टाइम पर स्कूल है तो पापा गांव वाला क्यों किया? मैं बोल रही तो अब नहीं पूछो क्यों बोल रही है, क्यों बोल रही है बात? इस काम के थोड़ा दिन में मुकेश जी सर मैम की भी बदली करवा दूंगा ट्रांसफर को दिखाया यहां सुन लिया गांव वाला सर जो विदाई की उदयपुर वाटिका बाहु बातचीत कौन करी गई मैं कौन करी लिखवा लेता कि भाई विदाई को बात करता फिर आगे तो ये ट्रांसफर कर देता बाद में के कर सका हा। आज स्कूल में ये सिग्नेचर हो जाएगा, स्कूल को गेट बंद कर रखे हो आज ही करो सही और बदली कद हुई था सर कल सर रिजल्ट भी ऊपर रह रहे और फिर भी आंसर का क्या प्रॉब्लम है जो ट्रांसफर करवा दे? मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चल मनोज जी सर अच्छा पढ़ाते हैं वो बच्चों को पता है, लेकिन ये जो सरकार की जो भी है ट्रांसफर होते हैं वो होते रहते, कोई टीचर दूसरी जगह जाता कोई आता है कोई वैसे आता है। जैसे गणेश जी सर आए हैं मेरे जहाँ तक मुझे पता है उनको 3 सब्जेक्टों का ज्ञान है, एक तो हिंदी का है और एक साइको होता है जो रीट की भर्ती अभी आ रही है उसका, और एक राजस्थान जो जीके है उनका भी उनको ज्ञान है, और हम जो भी जैसे मेरे से बड़े जो ये तो 12वीं तक है, 12वीं में जो आगे करेंगे तैयारी करेंगे उनके लिए ये कोचिंग भी खोल सकते हैं, क्योंकि ये गुड्डा में कोचिंग भी पहले पढ़ाते थे गुड्डा में, सब जानते हैं गणेश सर हिंदी के अच्छे व्याख्याता है। और दूसरी बात ये जो भी ये 12वीं के बच्चे इनको ये नहीं पता कि BSTC क्या चीज़ होती है, जहाँ तक मुझे पता है ये राशिया नगर इनकी गंगानगर ड्यूटी थी, इन्होंने या आप पूछ लेना या जो भी कोई इनके संबंधित है उसे पूछ लेना, इन्होंने BSTC के लिए जो 12वीं के जो बच्चे पास होते हैं उनके जो BSTC का कोर्स जिनके लिए वो 1 साल का फॉर्म भरते हैं ना उनके लिए इन्होंने जो फ्री बुकें वहाँ पे अलॉट की थी। और दूसरी बात ये कि जो भी हमारे जैसे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी बेनिफिट ये होगा कि ये गांव के हैं हमारे नज़दीकी, तो हमारे गांव में इन्होंने ये 20-30 बच्चों को कोचिंग करा दें तभी हमें गांव को भी फायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा गाँव से नौकरियाँ भी लगेंगी। मेरा नाम कुलदीप सिंह शेखावत है, मैं 12th क्लास में स्टडी करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल सर 9 बजे स्कूल में आ जाते हैं और दूसरे टीचर हैं वो 10:30 बजे स्कूल में आते हैं,
10:30 बजे आ जाए, प्रिंसिपल से बात कर सकते हो आप। अब बारहवीं फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक बच्चे हैं स्कूल में, तो फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ क्लास को नहीं पढ़ाते वो सर, ट्वेल्थ को पढ़ाते हैं, तो इन बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है। उनका मतलब था नहीं अभी लगा कि भाई या तो जो टीचर गए भाई या ना खैर ही गए हैं। स्कूल में टीचर ही बच्चों को शिक्षा देते हैं, घर वाले नहीं सिखाते उनको, तो स्कूल में बच्चों को टीचर ही भ्रमित कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो प्रिंसिपल ही बातचीत करा तो टाबर बैठे ही आगे के मांग है पूरी हुई? मांग तो जायज तो है नहीं कोई, क्योंकि सरकार की प्रक्रिया है, ट्रांसफर होते रहते हैं, अब भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं, सह का होते हैं ट्रांसफर, तो जो जा रहा है वो चला गया और आने वाला आ गया, ज्वाइन करवा देंगे। टाबरों की तो कोई समस्या नहीं है, ये तो बिना मतलब का झमेला कर रखा है टाबरों, तो किसके सिखाए से किया तो पता नहीं, अभी पता चलेगा बाद में, ये बिना मतलब की बातें हैं। पढ़ाई अच्छी हो रही है, नया गुरुजी है, बढ़िया हिंदी के बढ़िया हैं वो, अच्छे व्याख्याता नए हैं, आरपी से सिलेक्टेड हैं, बढ़िया आदमी हैं और यहीं के लोग। टाबरा है, बाकी दिक्कत है क्या पता कैसे बहम बढ़ गए इन बच्चों में, कैसे किसने दिल डाल दिया नहीं है, कोई पर शक भी है भाई टाबरा ने बहका दिया कि ठीक है थे दलनो दे लो या कर लियो ना, मेरे को अब किसका नाम दे दूं, मैं तो कल टूर में था या कोई दो चार स्कूल चेक करने चला गया, पीछे आया तो उनको मैंने कहा था बोलो कल सुबह रिली हो जाऊंगा, कल ज्वाइन करवा देंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही है बच्चों का, तो मतलब माहौल बिगाड़ने की प्रवृत्ति किसने डाली है, ऐसा कौन है शरारती तत्व है जो ये बातें फैला रहा है। मैं 9:30 बजे से पहले आ जाता हूँ, 9:15 बजे आ जाता हूँ, और दो क्लासे बुलाते हैं हम 10:10, उनके टीचर आ जाते हैं 9:30 बजे और क्लासे चल रही हैं, कोई किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है और कोई ऐसी कोई समस्या नहीं। आज क्या पता है कैसी समस्या उत्पन्न हो गई, पहले भी यहाँ को दर्द ना पहले हुआ, मैं तो अभी आया 7 जनवरी को ज्वाइन किया, तो और आगे कोई स्कूल में और कोई समस्या है नहीं, कोई समस्या नहीं, पूछो इनसे सभी से, कोई समस्या मैं छोड़ने देता हूँ। लेटरिन बाथरूम की सफाई और सब सफाई फोर्थ क्लास है नहीं, करवाता हूँ क्या करूँ मैं, पानी की व्यवस्था मैं टंकी में पानी नहीं डलता, खुद जाता हूँ किसी को बुला करके लाता हूँ यार कैसे चलती है मोटरें, पूरी समस्याएं हल कर रहा हूँ, फिर भी मतलब ये कैसे बवाल उत्पन्न कर दिया इन्होंने। बहकाव में आया नहीं टाबरन के पतोई, के पतोई इतना छोटा बहकावे भी खुले, ये मतलब ट्रांसफर को दूसरा आदमी आ रही है, सरकार की प्रक्रिया है। तुम्हारे पढ़ाई में कोई और समस्या आ रही है कि जैं की थे दन्नू प्रदर्शन कर रहे हो? ना हमारे कोई समस्या को नहीं, मनोज सर अच्छा पढ़ाऊंगी अभी ना, बाकी वजह से ही ना 4 साल होगा, रिजल्ट हाईएस्ट रही है, 5 स्टार में आई है, 91 सब आऊ है, नहीं पहले 91 सब आऊ कदे को नहीं स्कूल को। तो एक बार जैं की थारा नया गुरु जैं गणेश जी एक बार पटकी देखो, जब बाकी समझ में नहीं आवे 5 दिन 10 दिन 15 दिन एक बार पटकी तो देखो की जब बाकी समझ में नहीं आवे तो थे दन्नू प्रदर्शन करो, जो और भी ही गांव ग्रामवासी बन भी बोलो कि मारे समझ में को नहीं आवे एक हाँ, बार पढ़ो तो सरू मैं पढ़ ले चाह दो मन पढ़ा के दिखाओ एक बार हाँ, तो थे एक बार स्कूल को गेट खोलो एक बार अंदर तो जाओ एक बार पढ़न तो थारी रिस्पेक्ट है ना थे राखो गुरुजी के गुरुजी की करो ना एक बार जाओ तो सरू अंदर पढ़ो तो सरू जो गेट है अभी गेट ना तो खोलो थे खुला दे सा और अपन ना अच्छा पढ़ाएंगा तो ही रखूंगा डे। मेरा नाम सुशीला कुमारी दायल है और मैं यहीं कक्षा 9 से 12 तक यहीं पढ़ी हुई हूँ और जो इस यहाँ तक यहाँ पढ़ी हुई लेकिन यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई मेरे पढ़ाई में कहाँ भी। और इस विषय के हिंदी साहित्य के टीचर का ट्रांसफर हुआ है, ये हमें 2 बुक पढ़ाते थे, हिंदी अनिवार्य का पद यहाँ खाली है, हिंदी अनिवार्य भी यही सर पढ़ाते थे और साहित्य भी यही पढ़ाते थे और हिंदी साहित्य में मेरे इस बार ही 100 में से 98 नंबर आए हुए हैं और इनको पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, जबकि ये बच्चे का इनके प्रति प्रेम बना हुआ है और ये बच्चे इनसे ही पढ़ना चाहते हैं और जबकि ये गांव वाले हैं ये सोच रहे हैं इनका ट्रांसफ़र करके यहाँ गांव के ही व्यक्ति को यहाँ ला रहे हैं, लेकिन ये बच्चों पढ़ना तो इन बच्चों को है, इन गांव वालों को थोड़ा ना पढ़ना है, लेकिन आप इन गांव वालों की ज़्यादा चल रही है और बच्चों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इसलिए आज इन बच्चों को 8:30 बजे से लेकर अब तक यहाँ भूखा बैठा रहना पड़ रहा है, लेकिन इन बच्चों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, गाँव वाले अपनी अपनी दल रहे हैं, सब अपनी अपनी गाँव वाले नेते हैं ये उनकी बदली करवा कर एक में प्रिंसिपल सर आपकी तो करवा दी है, यही समस्या है, इन गांव वालों की तो ज्यादा चल रही है और इन बच्चों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैम यह बात भी सुनी कि 2 मास्टर की जो बदली होगी और 2-3 की भी और होनी चाहिए, यह चीज मैं सुनी थाने के बरों की होगी या कौन नहीं होगी, यह चर्चा स्कूल में चलती रहे और बच्चा सुनता रहे ही जनान भी पतो लाग जाए, मनोज जी सरा को भी 2 दिन पहले ही पतो चाल गो हन की ना 10 तारीख ने बदली होने वाली है। बाहर एक लड़का बोल रहा था कि उस गणेश टीचर ने उस स्कूल में वो BSTC के और PTT के फार्म भरे थे, हमारे मनोज जी सर ने हमारे भी PTT के और
BSTC के फार्म भरे हुए हैं और BSTC में तो मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन PTT में मेरा भी नंबर आ रहा है और मैं सरदानाथ कॉलेज से गुड्डा से वो BA BEd साथ कर रही हूँ। नहीं कि फार्म नहीं भरते हैं, सारे काम होते हैं यहाँ भी। जो नया टीचर आए हैं, एक बार रिक्वेस्ट है कि तू 5 दिन पढ़ो, 5 दिन बाद में नहीं समझ आया तो बोल सको। पूरा बच्चा खड़े हैं, क्या बोलेगा? पूरा बच्चा थे समझाओ ना, 11वीं की बच्ची, 12वीं की, 12वीं की है ना, सौ बड्डी है तू क्लास में, तो तू एक बार समझा बा टाबरन की भाई खे बार 5 दिन आपा पढ़ो, 5 दिन पढ़ा, 5 दिन में न समझ में आवाज ना, तो बिहारो तो है को नहीं जो दूसरी बोली बोलेगा, भी तो आपने आई भाषा बोल लेंगे ना नॉर्मल जाए। मैं बात करें कि मारे एक मनाम के एक नाम तो भाषा समझ में आओगी और दो मना हमारी एग्जाम कहीं करो तो सरियो की भाई यो मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं पढ़ने कौन चाहूं आखनो क्यों कौन पढ़नो चाहूं, या बात को नहीं हो तो बेटा मैं बोल नहीं सकला तो भाई मास्टर नहीं बाकी बदली भी होगी और भी आऊंगा नया भी आऊंगा जाऊंगा भी ये थोड़ी बात तो सही है। और थारी कोई मांग है तो बोल दो। और कोई मांग को नहीं, मारी भी यही रिक्वेस्ट है कि ग्रामवासी भी एक बार 5 दिन 7 दिन समझो, टाबराओं भी यही रिक्वेस्ट है कि 5 दिन को टाइम तो दो, 5 दिन पढ़ो तो सरियो, कोई भी चीज की जिद करी तो बस जिद तो पूरी हुई को नहीं करा, वीडियो इन ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पूछे कि भाई यहाँ की भी कहानी है, लोग जागरूक हुए, टाबर भी जागरूक हुए, 5 दिन को समय दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद जय झुंझुनू।